बहुत समय पहले की बात है, जब लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इस ब्रह्मांड के नव निर्मित ग्रह पृथ्वी में जीवन का भी सृजन आरंभ हो रहा था। आज आप उस जीव के बारे में जानेंगे जिसकी कहानी डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी पहले शुरू हुई थी। ये कहानी लगभग 200 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, जब प्रागैतिहासिक पृथ्वी में एक अनोखा शल्कधारी जीव जल में भ्रमण कर रहा था। आज करोड़ों सालों के बाद भी इस जीव का अस्तित्व में होना एक आश्चर्य है। ये कहानी है एक कछुए की। कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल से भी पुराने जीवित सरीसृप हैं। कछुए अपने शल्क या स्केल्स को समय एवं परिस्थिति के अनुरूप ढालने के कारण अपने को अन्य सरीसृप जीवों से भिन्न करते हैं। रक्षात्मक तकनीक यानी अपने शल्क की मदद से कछुए डायनासोर को पीछे छोड़ आज भी जीवित हैं। कछुए को यमुना नदी का वाहन भी माना जाता है। एक अन्य कथा में भगवान विष्णु के अपने दूसरे अवतार में कछुए का रूप धारण कर समुद्र मंथन के समय पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया था। कछुओं की मुख्यतः 3 प्रजातियां होती हैं, समुद्री कच्छप, स्वच्छ जलीय कच्छप एवं स्थलीय कुर्म। अगर साधारण भाषा में कहें तो कुर्म यानी जमीन में रहने वाले कछुए अथवा टॉर्टोइज, और कच्छप यानी पानी में रहने वाले कछुए अथवा टर्टल्स। कच्छपों को हम शारीरिक ढांचे के अनुसार मुलायम तथा कठोर कवच में बांट सकते हैं। मुलायम कवच वाले कछुए सामान्यतः मांसाहारी तथा कठोर कवच वाले कछुए सामान्यतः शाकाहारी होते हैं। भारत विश्व में स्वच्छ जलीय कछुओं की सबसे बड़ी विविधता वाला देश है। यहाँ कछुओं की 28 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में ही इनकी 15 प्रजातियां पाई जाती हैं। साल ढोढ़, काली ढोढ़, भूत काथा, हल्दी काथा, भारतीय काला कछुआ, पहाड़ी त्रिकुटकी, स्योतर, मोरपंखी, कटहवा, सुंदरी, कोरी पचेड़ा, ब्राह्मणी पचेड़ा और पार्वती। प्रजाति के अनुसार कछुओं की आयु लगभग 40 वर्ष से 200 वर्षों तक होती है। कछुओं की कुछ प्रजाति तेज बहाव वाली नदियों में पाई जाती है, तो कुछ कम बहाव, दलदली एवं वनस्पतिपूर्ण नदियों में, और कुछ प्रजातियां तालाबों, झीलों तथा नालों में भी रहती हैं। सियार कछुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये रेत में इनके अंडों को खोदकर खा जाते हैं। रेड लिस्ट डाटा शीट में साल कछुआ यानी रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल को अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में रखा गया है। साल कछुआ केवल चंबल नदी में प्राकृतिक रूप में जीवित हैं, तथा अभी इनकी संख्या यहां 500 से भी कम बची है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था टर्टल सर्वाइवल अलायंस यानी TSA के सहयोग से इस परिस्थिति को बदलने के लिए कार्य किया है। चंबल में इनके घोंसलों को ढूंढकर उन अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर
कृत्रिम रूप से इनक्यूबेट हैचलिंग तैयार किया जाता है। वर्ष 2008 में इटावा में चंबल संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। चंबल के जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु इस केंद्र से विभिन्न प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। चीन में पारंपरिक दवाओं में प्रयोग हेतु एवं घरों में पालने के लिए कछुओं को मारा और पकड़ा जा रहा है, जो इनकी संख्या के निरंतर कम होने का एक प्रमुख कारण है। मनुष्यों की बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा नदियों का दोहन भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कछुओं के संरक्षण के लिए लुप्त प्राय परियोजना उत्तर प्रदेश TSA के सहयोग से गंभीर प्रयास कर रहा है। कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास एवं प्रजनन केंद्र लखनऊ में उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली 15 प्रजातियों में से 13 प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। घड़ियाल के साथ साथ इस केंद्र में कछुओं का भी प्रजनन किया जा रहा है। वर्ष 1988 से अब तक लगभग 20,000 की संख्या में विभिन्न प्रजातियों के कछुए विभिन्न नदियों में विमोचित किए जा चुके हैं। गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत गंगा नदी में ही लगभग 18,000 कटहवा यानी निल्सोनिया गैंगेटिका प्रजाति के कछुए विमोचित किए जा चुके हैं। कुकरैल केंद्र में स्योतर यानी चित्रा इंडिका प्रजाति के कछुओं के अंडों से पहली बार आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन द्वारा हैचलिंग तैयार कर उन्हें सुरक्षित पाला जा रहा है। धीरे धीरे कुकरैल केंद्र अन्य प्रजातियों के कछुओं की भी एक सुनिश्चित आबादी को संरक्षित करती जा रही है। कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में TSA द्वारा एक आधुनिक प्रयोगशाला लेबोरेटरी फॉर एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी भी स्थापित की गई है, जिसमें केंद्र में पले हुए जानवरों के बीमार होने पर यहां उनका वन्य जीव चिकित्सकों द्वारा उचित चिकित्सा की जाती है। कछुए स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। ये जल के पोषक तत्वों को संरक्षित करने में सहायक होते हैं। ये मछलियों की जनसंख्या को नियमित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको जल का गिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि कछुए नदियों में मनुष्य की अंत्येष्टि के बाद बचे अवशेषों एवं मृत पशुओं को खाकर जल को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। कछुओं को मारना एवं पकड़ना अथवा व्यापार करना एक अपराध है तथा इसके लिए कानून में कड़े दंड का प्रावधान भी है। फिर भी इनकी संख्या में निरंतर गिरावट दिख रही है। कछुओं के अवैध शिकार एवं व्यापार ने नदियों में इनकी संख्या में भारी कमी कर दी है, जिससे नदियों के जल प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। यदि हमें अपनी पवित्र नदियों की पवित्रता को कायम रखना है तो हमें कछुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। आइए हम सब मिलकर कछुओं के संरक्षण की प्रतिज्ञा लें तथा नदियों की पवित्रता वापस लौटाने में सहयोग करें। एक छोटे कछुए